हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत करता हूँ एक बार फिर मोटोरोला सोल्यूशन में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जो गेम खेलते हैं या फिर कुछ भी ऐप प्रोसेस करते हैं उसका एक ड्राइवर होता है, उस ड्राइवर ऑप्शन को आपको एनेबल करके रखना है। हर मोबाइल में वो ऑन ही रहता है, फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आपको उस ऑप्शन को एक बार चेक करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सेटिंग पर जाना होगा। सेटिंग पर जाने के बाद आपको जाना है सिस्टम पर। सो सिस्टम पे जाने के बाद एडवांस, यहाँ पर देखिए एक डेवलपर ऑप्शन है, डेवलपर ऑप्शन को एनेबल करना होता है। सो अगर आपने नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो देख के आप एनेबल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद नीचे जब आएंगे आप, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा, गेम ड्राइवर प्रेफरेंस। सो ये देखिए गेम ड्राइवर प्रेफरेंस। सो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एनेबल फॉर ऑल एप्स यहाँ पर लिखा रहेंगे। सो आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है और नीचे देखना है कि आपका हर ऐप में ऑन है कि नहीं। जितने भी आपका मोबाइल पे गेम या फिर उस टाइप का कुछ एप्लीकेशन होगा, सो उसमें ये जो ऑप्शन है वो ऑन रहेंगे। और आप चाहे तो पर्टिकुलर नंबर पर गेम ड्राइवर ऑन या फिर इस टाइप का डिफ़ॉल्ट में रख सकते हैं, या फिर गेम ड्राइवर पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर पाएंगे। सो अगर आपके ये ऑप्शन ऑन है और गेम अच्छा से चलता नहीं है, सो आपको कोई भी गेम, मतलब ये जैसे कि सेस है, यहाँ पर आप क्लिक करके ये जो गेम ड्राइवर मोड है यहाँ पर सिलेक्ट करके रख सकते हैं। सो इससे हो सकता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो बस अगर आप एक मोटोरोला यूजर्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मोटोरोला के ऊपर ही वीडियो मिलते हैं। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में दिखाना ही था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।